और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर है 12 विद्युत। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर 12 विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है आपका विद्युत। ठीक है, चैप्टर 12 है और चैप्टर का नाम है विद्युत। लो साहब, मैंने चैप्टर का नाम डाल दिया विद्युत। ठीक है, अब सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, ठीक है, वो होता है आपके पास विद्युत आवेश। किसे कहते हो आप? क्या होता है विद्युत आवेश? तो विद्युत आवेश बड़ा इजी टॉपिक है, आराम से याद हो जाएगा। पेपर और पेन लेकर बैठना, ठीक है, और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। तो मैं डलवाता हूँ पहला हेडिंग विद्युत आवेश, कि क्या होता है ये विद्युत आवेश। ठीक है, यहीं से कहानी शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, कि आवेश होता क्या है। तो किसे कहते हो आप आवेश? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। आप जानते हो कि परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या लगता है? वल लगता है। तो मौलिक कणों का वह गुण, मौलिक कणों का वह गुण जिसके द्वारा, मौलिक कणों का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत बल उत्पन्न होता है, विद्युत बल उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे शो करता हूं मैं काई से, क्यू से। इसे शो करते हैं क्यू से, इसे क्यू से दर्शाते हैं, इसे क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, और आवेश होता है दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। कितने प्रकार का आवेश होता है? पॉजिटिव और निगेटिव। यहां तक समझ में आया? तो मैं लिखवा रहा हूं, आवेश कितने प्रकार का होता है, यानी कि आवेश के प्रकार। तो आवेश होता है दो प्रकार का, पहला होता है धनात्मक और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक। धनात्मक बोलते हैं प्लस, और दूसरा होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। आराम से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, आवेश दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। यहां तक हुआ क्लियर? समझ में आ जाएगा आराम से, कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखना बोर्ड पे। तो आवेश के प्रकार, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब देखो, प्लस और माइनस इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्लस और माइनस के बीच में बल लगता है आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और अगर मेरे पास प्लस और प्लस होंगे और माइनस माइनस होंगे, तो इन दोनों के बीच में एक बल और लगेगा, और वो कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, जो कि एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। अगर आवेश विपरीत है, प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, अगर आवेश समान है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। मैं यही लिखवाने वाला हूं। ठीक है, तो इसका पहले मात्रक चेक कर लेते हैं एक बार। मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक बहुत जरूरी है। क्या मात्रक होता है इसका? कूलोम। क्या होता है? कूलाम। सी से दर्शाते हैं इसको। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। याद कर लो ठीक से, क्या मात्रक होता है आवेश का? कूलाम होता है। अब पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा विद्युत बल के बारे में, कि किसे कहते हो आप विद्युत बल, कि क्या होता है ये विद्युत बल। ये तो बड़ा इजी टॉपिक है। तो होता क्या है विद्युत बल? वो देख लो कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल कहते हैं भाई, विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। बल आपने 9th क्लास में पढ़ा है। बल का मात्रक क्या होता है? क्या होगा बल का मात्रक? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। याद कर लो कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि विद्युत बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल से नहीं, बस शॉर्ट में लिखवा दूंगा आराम से इसको, और क्लियर भी कर लोगे आप। पहला होता है आकर्षण बल। कौन सा होता है? आकर्षण बल। और दूसरा कौन सा होता है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण
बल। तो पहला कौन सा बल होता है आपके पास? आकर्षण बल होता है। और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? प्रतिकर्षण बल होता है। अब ये आकर्षण बल कहाँ लगता है? विपरीत आवेशों के बीच, प्लस और माइनस के बीच में जो बल लगता है वो कौन सा लगता है भाई? आकर्षण बल लगता है। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। और अगर मेरे पास आवेश समान है, चाहे वो प्लस प्लस हो या चाहे वो कैसा हो आपके पास, माइनस माइनस हो, इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि कभी भी यह आवेश पास पास नहीं आने वाले हैं। समझ में आया यहाँ तक? हुआ क्लियर? ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल कैसे कहते हैं? समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जब बोल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करो। ठीक है, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं और विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट, तो यहां तक का लें स्क्रीनशॉट। तो अब पढ़ते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो क्या होती है वो देखते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो पहला मैं लिखवाऊं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका मात्रक भी लिखिए, इसका मात्रक भी लिखिए, मात्रक भी लिखिए। तो कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है कि भाई विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डाल देता हूं, देखो हेडिंग विद्युत धारा। विद्युत धारा, अब देखो ये क्या होती है, तो किसी चालक में, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये किताब की भाषा है, आराम से याद हो जाएगी। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, देखो परिभाषा किताब वाली, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। इसे शो करता हूं मैं आई से, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। यहां पर क्यू क्या है? थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, यहां क्यू क्या है? ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, यहां क्यू क्या है? तो क्यू जो है वो होता है आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या मात्रक होता है इसका? कूलाम होता है। यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, ध्यान देना था ना बिल्कुल बोर्ड पे एकदम से, आई बराबर क्यू बाई टू, जहां क्यू जो है, क्यू क्या है? ये जो क्यू होता है वो होता है आवेश। इसका मात्रक लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है? कूलाम। और जो टी होता है वो होता है समय। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। सी फोर कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आप पढ़ते हैं इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक। तो मात्रक चेक कर लेते हैं एक बार, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होता है इसका एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर। सो करता हूं मैं इसे काई से, ए से। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, सो कैसे करते हैं इसको? ए से सो करते हैं। अब जो है मैं यह निकाल रहा हूं एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। देखते हैं किस किस को याद होने वाली है एक एम्पियर की परिभाषा। तो एक एम्पियर, एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम, यानी के एक कूलाम प्रति एक सेकेंड, एक सेकेंड। आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और कूलाम, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एक एम्पियर बराबर कितना आ गया? एक कूलाम प्रति एक सेकेंड। अब ये बताओ परिभाषा कैसे निकालूंगा मैं? ठीक है, तो पेपर यानी कि अपनी कॉपी लो और पेन लो, ठीक है, और ध्यान से लिखते रहना बोर्ड पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो एक एम्पियर बराबर एक कूलाम प्रति एक सेकेंड। तो परिभाषा जब निकालूंगा मैं तो ये परिभाषा होगी, किसी चालक में, किसी चालक में एक सेकेंड में, एक सेकेंड में अगर एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो, प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी? विद्युत धारा एक एम्पियर होगी, एक एम्पियर होगी। क्लियर? आराम से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर किसी चालक में आपने एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करा है तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी? एक एम्पियर होगी। ठीक है, तो यहां तक का ले स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे।
चलो अब देखते हैं विद्युत विभांतर क्या होता है, ठीक है, विद्युत विभांतर और विद्युत विभव क्या होता है ये भी चीज एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हम विद्युत विभांतर किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत विभांतर किसे कहते हैं, तो विद्युत विभांतर क्या होता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बनाता हूँ चित्र, और चित्र में मैंने इधर आवेश दिया है क्यू वन, इधर आवेश दिया है मैंने क्यू टू, और बीच में पॉइंट लिया है ए, और पॉइंट लिया है मैंने बी, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब आप ये बताओ इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों आवेश समान है और कभी भी पास पास नहीं आने वाले, हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। तो अब इस आवेश को मैं क्यू टू को इधर लेकर आऊंगा, इधर लेकर आऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, और वो कार्य कितना होगा वो देखते हैं। तो ध्यान देना जरा, इस Q2 आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या होता है हमारा, विद्युत विभवांतर होता है। ध्यान देना है किसको, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से, कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, कहलाता है। इसे सो करता हूं मैं डेल्टा भी से, कैसे डेल्टा भी से दर्शाते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो जाएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है, इसे डेल्टा वी से दर्शाते हैं। तो डेल्टा वी आर इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा वी आर इक्वल टू क्यू बटा डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है, डेल्टा वी आर इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू क्या, यहां कार्य, कार्य को बोलते हैं इसमें वर्क, इसका मात्रक क्या होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ठीक है, याद कर लो, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा, तो मैं मात्रक लिख रहा हूं इसका कि भाई विद्युत विभवांतर का मात्रक, ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है, जिसे वोल्ट कहते हैं, जिसे बोल्ट कहते हैं, याद कर लो आराम से, इसे बोल्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हो आप, बोल्ट कहते हो, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे यार विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है कितना, बोल्ट, क्या होता है वोल्ट, या जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम ना बोल कैसे, तो क्या बोलोगे आप, वोल्ट बोलना। तो यहां तक क्लियर हुआ आपका, देखते हैं फिर नया टॉपिक क्या है हमारे पास, नया टॉपिक है विद्युत विभव, इसी का भाई है विद्युत विभव, सेम क्वालिटी का, बिल्कुल ध्यान देते रहना बोल्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बिंदु को अनंत मान लिया जाता है, एक बिंदु को अनंत पर मान लिया जाता है और अनंत से आवेश को लाया जाता है, और अनंत पर वैद्युत विभव जीरो माना जाता है, ठीक है, कितना होता है, अनंत पर वैद्युत विभव जीरो माना जाता है। तो मैं लिख पा रहा हूं परिभाषा, एकांक आवेश को किसको, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे सो करता हूं मैं कैपिटल भी से दर्शाते हैं, कैपिटल भी से दर्शाते हैं, तो भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यों, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, मात्रक दोनों के कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है, मात्रक में कोई चेंज नहीं होगा, मात्रक दोनों के सेम है, वोल्ट, चाहे वो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर हो। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं आगे, देखते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग विद्युत प्रतिरोध,
आराम समझ जाओगे, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है बिल्कुल, विद्युत प्रतिरोध। तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है ये बेचारा विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो जब आप तार में धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, तो जब आप तार में धारा प्रवाहित करते हो तो तार जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। जिस तरह से जब आप मान लो हवा, आप जा रहे हो सीधी डायरेक्शन में और हवा चल रही है आपकी उल्टी दिशा में, तो हवा क्या करेगी, आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। वैसे ही तार क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, जिसकी वजह से तार गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन धारा इतनी प्रबल होती है कि तार में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कि तार द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या करता है, विद्युत प्रतिरोध धारा को रोकता है, क्या करता है, धारा को रोकता है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है, ठीक है। तो मैं यही परिभाषा लिखने वाला हूं यहां पर, लेकिन ओम के अकॉर्डिंग R इक्वल टू V अपॉन I, एक छोटी सी परिभाषा लिखवाने वाला हूं मैं, R बराबर V अपॉन I, जहां V क्या है, विद्युत विभवांतर, कुछ समय पहले पढ़ाया है विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को, विद्युत धारा के अनुपात को, के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अनुपात को, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। तो अपना फॉर्मूला कौन सा बना, R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। इसका मात्रा चेक कर लेते हैं एक बार, क्या मात्रा होता है इसका, डायरेक्ट मात्रा लिखवाऊंगा मैं, ओम क्या होता है, ओम हो जाएगा यार। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ये होता है इसका प्रतीक, ओम का प्रतीक क्या होता है, ये कुछ हेडफोन टाइप का, ठीक है। तो ध्यान देना है कि विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि तार का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो चेक कर ले कैसे, कौन कौन से कारक है जो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक ये होता है कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे बोलते हैं तार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आप पॉइंट बताने हैं दो समझने के लिए, एक तार मेरे पास इतना बड़ा है और एक तार मेरे पास इतना बड़ा है, यानी कि इसकी लंबाई ज़्यादा है उसकी लंबाई कम है। अब आप ये बताओ कि दोनों तारों में से किस तार का विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा। तो देखो विद्युत प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, समानुपाती मतलब समान है, तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा और तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना कम होगा, ठीक है। तो देखो लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कैसा होगा, कम होगा। अब आते हैं तार की मोटाई पर, काई पर आते हैं, अब तार की मोटाई पर, एक तार इतना मोटा है, ठीक है, और एक तार जो है हमारे पास वो इतना मोटा तार लिया हमने, ठीक है। तो एक तार थोड़ा ज्यादा मोटा, एक तार पतला है। अब दोनों तारों में से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है। तो देखो मोटाई ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा अगर क्षेत्रफल कम होगा, यानी कि तार अगर मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार पतला है तो प्रतिरोध कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तार यहाँ कैसा है, मोटा है तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, जब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कैसा हो गया, इसका कम हो जाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक उल्टा होगा। अगर ये चलेगा दाईं ओर तो ये चलेगा बाईं ओर, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब तार मोटा है तो तार ज़्यादा मोटा हो गया तो प्रतिरोध कैसा हो गया, कम, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको यही पता है कि मोटे तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी या पतले तार में ज़्यादा धारा होगी, तो क्या कहना है आप लोगों का, बताओ जरा, सोचो जरा इसके बारे में। तो मोटे तार में ज्यादा धारा प्रवाहित होती है और पतले तार में कम धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो दोनों नियम मिला दे रहा हूं मैं, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर जो तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो जरा ध्यान से, जब मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आ गया, रो बोलते हैं इसको, और R बराबर रो एल बटा ए,
आर बराबर रो एल बटा ए, जहां रो क्या है, तो जहां रो जो होता है इसको बोलते हैं रो, जहां रो एक नियतांक है, जहां रो क्या है एक भाई नियतांक है यार, ये रो क्या है, ये रो क्या है एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कह, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक खास बात और है, जो ये रो होता है ये तार की लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, किसी एक धातु के लिए बिल्कुल फिक्स होता है और बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, चाहे तार की लंबाई बढ़ाओ घटाओ विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद एक नया टॉपिक और आता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है ओम का नियम, क्या आता है ओम का नियम आता है, और ये जो है हर साल पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो लिखवा रहा हूं मैं, ओम का नियम क्या होता है, ये ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम, ध्यान देना है इस नियम पर, डालो हेडिंग से करके, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या है ओम का नियम होता है। तो मान लेता हूं मेरे पास ये क्या है, एक चालक तार है, जब मैं इस चालक तार के सिरों के बीच बैटरी से जोड़ूंगा यानी कि विभवांतर लगाऊंगा, तो तार में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब वो जितना ज्यादा विभवांतर होगा धारा भी उतनी ज्यादा होगी, जैसे कि जब वोल्टेज 200 आते हैं तो करंट ज्यादा होता है, जब वोल्टेज कम आते हैं मान लो 100 वोल्टेज आ रहे हैं तो करंट कैसा होता है, कम होता है, यानी कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई तो भी समानुपाती आई, विभवांतर धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है, पर शर्त होती है, एक शर्त ये होती है कि इस तार की ना तो लंबाई चेंज हो, ना ताप चेंज हो, ना दाब चेंज हो, ठीक है, तब जाके जब विभवांतर होता है सिरों के बीच वो तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो मैं यही लिखने वाला हूं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक की कि भौतिक अवस्थाएं किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप कोमा दाब, ठीक है, कोमा लंबाई, लंबाई ठीक है, आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो ठीक है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है ठीक है। अर्थात मैं लेता हूं, अर्थात मैं लेता हूं भी समानुपाती आई, ठीक है, जब विभवांतर होता है वो धारा के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अब जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह आता हूं तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाता है आर और आ जाता है आई, जहां आर क्या है एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक तार का क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा हमने ऊपर ही, चालक तार का क्या कहते हैं, चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं ठीक है, जिसे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान देना इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल ओम का नियम, क्या होता है ये ओम का नियम, कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, यही लाइन घुमा फिरा के इतना बड़ा नियम कर दिया गया, ठीक है, किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने, समझ में आया पॉइंट। तो जहां आर क्या है एक नियतांक है, जिसे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह की ग्राफ आती है इसमें, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो विद्युत विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ, ये हमारा हेडिंग रहा,
धारा के बीच ग्राफ। जो किस तरह की ग्राफ मैं बनाऊंगा, ध्यान देना ग्राफ पे। तो ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, बिल्कुल बोर्ड पे नजर होनी चाहिए। तो ये देखो, यहां मैं शो करूंगा वोल्टेज को, यहां मैंने शो करा वोल्टेज और यहां मैंने शो करा धारा आई। ठीक है, तो यहां मैंने शो करा वोल्टेज और यहां शो करा धारा आई। अब सिंपल सी बात है, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा तो धारा घटेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, ये एक सरल रेखा। ठीक है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, दोनों के दोनों घटते हैं। एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ क्या होंगे, घटेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ एक होगा, यहाँ भी एक होगा, ठीक है, फिर यहाँ दो होगा, यहाँ दो, तो दोनों साथ साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दोनों साथ साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा भी क्या होगी, घटेगी। यानी कि विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा आता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ, धारा के बीच जो ग्राफ है वो कैसा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है। तो लो यहां तक का ले स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इसका आगे। चलो फिर मिटा देता हूँ अब मैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बार बार रिपीट करके देखना इस चीज़ को तो और समझ में आएगा ये टॉपिक। तो अब जो है, अब आता है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दोनों का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, चलो वो देख लेते हैं इस चीज़ को। तो देखो मैं डाल देता हूँ पहले हेडिंग, ठीक है, यहाँ से करवाता हूँ स्टार्ट। दो अभी प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, तो पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा आता है वो आता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ लेंगे हम, तो पहला पढ़ेंगे पहला नंबर वाला भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखें पढ़ के फिर एक बार, चलो फिर तो शुरू करते हैं फिर। श्रेणी क्रम संयोजन डाल देता हूं मैं हेडिंग, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन बड़ा इजी टॉपिक है, घबराना मत देख के। तो मैं लेता हूं पहले तीन प्रतिरोध और जोड़ देता हूं मैं श्रेणी क्रम में, हाथ से हाथ जोड़ना हमें। ठीक है, यानी कि हाथ से टांगों को जोड़ दिया आपने, हाथ से हाथ ही जोड़ोगे। ठीक है, आर वन आर टू और ये मेरे पास रहा आर थ्री, मैंने तीन प्रतिरोध लिए हैं आर वन आर टू और आर थ्री। ठीक है, इसके बाद देखो इसको मैंने फिर एक बैटरी से जोड़ दिया, क्योंकि भैया हमें धारा प्रवाहित करनी है। ठीक है, उसके बाद एक स्विच लिया मैंने, कुंजी, क्या लिया मैंने, एक कुंजी स्विच, और एक लिया मैंने बैटरी यानी कि सेल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे टच कर दिया ये, और जब मैं प्रवाहित करूंगा धारा तो मेरे पास धारा प्रवाहित होगी इसमें आई, और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ध्यान देना, जो धारा यहाँ बहेगी वही धारा यहाँ होगी, वही धारा यहाँ होगी। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो जो विभवांतर यहाँ होता है भी वन, और यहाँ मान लेता हूँ मैं कितना, इसके सिरे में मानता हूँ भी टू, और इस प्रतिरोध के सिरे में मानेंगे हम भी थ्री। ठीक है, नाम देते हैं इसका ए बी सी, और मैंने क्या दे दिया, डी दे दिया नाम इसका। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब आगे देखते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, मान लेता हूँ मैंने माना तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, क्या नाम है इनके, आर वन आर टू तथा आर थ्री, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, ध्यान देना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, विभवांतर क्रमशः, मान लेता हूं मैं मेरे पास है भी वन, फिर भी टू, और कितना मेरे पास भी थ्री है। एक चीज और बता देता हूं मैं, इन तीनों का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, मेरे पास भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, यानी कि कुल विभवांतर कितना हो, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर कितना हो भाई, कुल विभवांतर कैपिटल वी हो तो, कैपिटल वी हो तो भी वन भी टू देता कितना है मेरे पास
V3 है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो अगर मैं यहां से V1 का मान निकालूंगा तो ओम का नियम लगा दो IR1, अगर मैं यहां से V2 का मान निकालूंगा फिर से ओम का नियम लगा दो IR2, फिर मैं यहां से V3 निकालूंगा तो फिर से ओम का नियम लगा दो IR3, क्योंकि I समान है, I धारा है, ठीक है, और धारा क्या होती है, श्रेणी क्रम में समान रहती है, जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें, तो धारा का मान प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध में समान बहता है, ठीक है, समान रहता है, तो V3 बराबर कितना गया मेरे पास IR3, ठीक है। अब देखो कुल विभवांतर कितना हो मेरे पास, कुल विभवांतर कैपिटल V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का मान ऊपर से लगा दो IR1 IR2 IR3 दिखाई दे रहे हैं V1 V2 V3 के मान, तो मैंने तीनों के तीनों मान पुट कर दिया, यहां से मैंने I कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा IR1 R2 और R3, ये मेरे पास भी समीकरण नंबर कितने हुए मेरे पास 1 हो गई, ठीक है। यहां तो समझ में आया, पहले मैंने V1 का मान निकाला, V2 का मान निकाला, V3 का मान निकाला, और धारा का मान समान है, ठीक है, तीनों प्रतिरोध में, फिर मैंने कुल विभवांतर ले लिया, V बराबर I कॉमन लिया मैंने यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो भी बराबर कितना जगह मेरे पास IR आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गई मेरे पास। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर बिल्कुल इजी टॉपिक है, ध्यान से देखना, भी बराबर IR और ये है मेरे पास भी बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये भी V है, ये भी V है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। या मैं लिख सकता हूं कि समीकरण भी का मान समीकरण एक में रखने पर, ऐसे भी ले सकते हो कि भी का मान समीकरण एक में रखने पर, लो साहब मैंने रख दिया IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गो, तो R बराबर बचा मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही होता है हमारा क्या, श्रेणी क्रम का संयोजन, ठीक है। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, ठीक है, तो ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यह प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन का क्या है, सूत्र है। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ाते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखो फिर अब पढ़ते हैं हम समांतर क्रम संयोजन, तो जरा थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे कि क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो देखो फिर मैं डाल देता हूं हेडिंग, मेरे पास सेकंड नंबर आ गया, कौन सा आया है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक श्रेणी क्रम का उल्टा, ठीक श्रेणी क्रम का उल्टा, पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सोच रहे हो कि यार बड़ा हार्ड टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा हो, बस ध्यान रखे रहना बोर्ड पर, ठीक है, जो लिखवा रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, आराम से समझ में आएगा, चैप्टर बहुत ही चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। समांतर क्रम जरा ध्यान देना, पहला बनाता हूं मैं एक सर्किट, सर्किट मतलब परिपथ, देखो तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध होते हैं आपके, ये मैंने कुछ प्रतिरोध लिए हैं यहां पर, और प्रतिरोध लेंगे हम 3 ऐसे, एक प्रतिरोध हमने ये लिया है, ये होता है समांतर क्रम, ठीक है। इसके बाद फिर से मैं एक बैटरी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे धारा प्रवाहित करनी है, बिना बैटरी के धारा प्रवाहित होने वाली है नहीं, स्विच भी लगाएंगे ताकि आसानी से इसको खोला या बंद किया जा सके, यानी कि धारा को खोला या बंद किया जा सके। अब इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका नाम दिया है R2, इसका नाम दिया है मैंने R3, ठीक अपोजिट हो जाएगा, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो मैं यहाँ A पॉइंट लूंगा, यहाँ पे मैं B पॉइंट लूंगा, तो यहाँ A और B के बीच में जो विभवांतर होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। A और B के बीच में जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, तो मैंने भी यही लिया है कि A और B के बीच में जो विभवांतर होता है भी वो कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, तो मैंने भी लिया है, ठीक है, ध्यान देना A और B के बीच विभवांतर कितना है मेरे पास, V है। तो आप देखो जब मैंने धारा प्रवाहित करी तो इसमें यानी कि R1 में जो धारा जाएगी वो जाएगी I1, इसमें जाएगी I2 और इसमें जाएगी धारा I3, क्या जाएगी धारा I3 जाती है, तो R1 में धारा I1 है, R2 में धारा और
R2 में धारा I2 है और R3 में धारा कितनी है मेरे पास, I3 है, ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। R1 में धारा I1, ये भी धारा, और R2 में धारा I2 है, और R3 में जो धारा है वो धारा बह रही है कितनी हमारे पास, I3, ठीक है। अब देखो जरा, मैं मान लेता हूं कि भाई माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जोड़ दिया मैंने, जुड़े हैं। अब देखो, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा कितनी है मेरे पास, I3 है। तब I1 का मान निकालूंगा तो विभवांतर मेरे पास समान है V/R1 ओम के नियम से, ऐसी I1 ऐसे निकालूंगा मैं, I2 R = V/R2 ऐसे निकालूंगा, I3 = V/R3। अब देखो कुल धारा कितनी है मेरे पास, अगर मेरे पास कुल धारा I हो तो I = I1 + I2 + I3, कुल धारा कितनी है मेरे पास, I = I1 + I2 + I3, तो यहाँ पे मैं मान लगाऊंगा V/R1 + V/R2 + V/R3। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन लूंगा, कह लेंगे भी मिल रहा मुझे कॉमन, 1/R1 रह जाएगा, 1/R2 रह जाएगा, ये कुंजी के है मेरे पास, और 1/R3 रह जाएगा आपका, ठीक है। समीकरण बना दूंगा इसको एक, ठीक है। अब देखो, अब क्या मान लूंगा, अगर अभी तीनों प्रतिरोध, ध्यान देना, R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ आपके पास, कैपिटल R, यानी कि एक ऐसा प्रतिरोध हो जो इन तीनों के, ठीक है, के स्थान पर रख दिया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप एक प्रतिरोध जो इन तीनों प्रतिरोध के बराबर हो, वो होता है तुल्य प्रतिरोध। मैं मान लेता हूं, देखो माना, यानी कि यदि तुल्य प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल आर हो तो I = V/R, और I का मान मैं क्या रखने वाला हूं, समीकरण एक में, ठीक है। तो I का मान समीकरण एक में रखने पर तो रख दे रहा हूं, देखो मैं V/R बराबर हो गया मेरे पास V/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो V से V कट गया, 1/R बराबर हो गया मेरे पास 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और यह है किसका फॉर्मूला है, ये तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा यह है, ठीक है, प्रतिरोधों के का फॉर्मूला, यह वाला, ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, ठीक है। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो क्या लिखवाया मैंने, एक बार और रिपीट करवा देता हूं मैं, और रिपीट यह है कि मेरे पास तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, और तीनों में धारा का मान अलग अलग है, यहां पर I1 है, यहां पर I2 है, यहां पर कितना है I3 है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस आपको घर पे 2 या 3 बार रिपीट कर लेना है, ठीक है, 100% दिमाग में तुम्हारे पास क्या होगा, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्रतिरोध मेरे पास R1 है, धारा कितनी वेरी है इसमें I1, प्रतिरोध R2 है, धारा कितनी वेरी है I2, क्योंकि जो धारा मेरे पास आई है वो इस पॉइंट पर आके 3 भागों में डिवाइड हो गई, कुछ इधर को जा रही है, और R3 में वेरी है हमारी I3, लेकिन विभवांतर चेंज नहीं होता है समांतर क्रम में, विभवांतर का मान समान रहता है A और B के बीच में, ठीक है। जितना विभवांतर इसके सिरों पर होगा उतना विभवांतर इसके सिरों पर है, उतना ही विभवांतर हमारे पास इसके सिरों पर है, ठीक है। अब देखो मैं निकालता हूँ पहले यहाँ से V1 का मान, यानी कि I1 का मान निकाला मैंने V/R1, I2 का मान निकाला V/R2, फिर I3 का मान निकाला V/R3 ओम के नियम से, ठीक है। कुल धारा मेरे पास कितनी हो, I हो तो I = I1 + I2 + I3, I1 का मान मैंने यहाँ रखा लाके, ये वाला I1 उठाया मैंने यहाँ रख दिया, I2 उठाया फिर मैंने यहाँ रख दिया, I3 उठाया फिर मैंने यहाँ रख दिया। अब ये देखो भी तीनों में है, तो तीनों में पकड़ के खींच लो, तो मैंने खींच लिया इसको, ठीक है। अब देखो यदि तुल्य प्रतिरोध मेरे पास कितना हो, कैपिटल R हो तो I = V/R,
अब आई का मान मैंने समीकरण एक में लगा दिया है, ठीक है, आई का मान समीकरण एक में रखने पर बी से बी कटा, एक बटा आर बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री। ये क्या है? ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है। इस पे जो है ध्यान से फोकस करना, हर साल दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहां तक करें स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे। तो अब पढ़ने वाले हैं हम विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ने वाले हैं हम? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब जैसे किसी तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ऊर्जा जो है वेस्ट होनी शुरू हो जाती है, और जितनी ऊर्जा वेस्ट होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को जो मीटर होता है वो मापता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ होता है, जो कि हमारे घरों में लगा होता है, किसी घर में लगा होता है, वो बिल जो मापता है, वो मापता है यूनिट में, ठीक है, यूनिट में। किस चीज में मापता है? वो यूनिट में मापता है, उसको बोलते हो किलोवाट घंटा, और पर यूनिट के हिसाब से आजकल बिल आ रहा है, वो बो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। अब आपसे कोई पता करे कि भाई विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? व्यावहारिक मतलब जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो आप कहोगे क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट, ठीक है, जिसको आप बोलते हो किलोवाट घंटा। क्या बोलते हो उसको आप? किलोवाट घंटा। तो अगर किसी परिपथ में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो वहां पर विद्युत ऊर्जा खर्च होनी ही होनी है, और उसी को बोलते हो आप विद्युत ऊर्जा, यानी कि ठीक है वहां पर ऊर्जा खर्च होनी होनी है, उसे बोलते हो आप विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, देखो ध्यान से। तो पहला पढ़ा रहा हूं मैं आपको विद्युत ऊर्जा कि क्या होती है। ये विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को बोलते हो आप विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, किसी, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर, विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, करने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, खर्च होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा खर्च होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब इसका मैं लिखवाता हूं पहले मात्रक, यानी कि पी बराबर विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो पहले लिख लो उसका मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं व्यावहारिक मात्रक की, तो व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? रट लो ठीक से, पेपर में पूछा जाता है कि ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? किलोवाट घंटा कहते हैं भाई। हम क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा भी कहते हैं हम इस चीज को, किलोवाट घंटा, यानी कि KWH, KWH किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट, जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है? यूनिट या किलोवाट घंटा। और एक चीज और है, एक किलोवाट घंटा में भाई कितने जूल होते हैं? तो आप बताओगे 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। कि यार एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। कौन? एक किलोवाट घंटा। अब देखते हैं विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा के कुछ सूत्र होते हैं, वो याद कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का सूत्र, विद्युत ऊर्जा के सूत्र, तो कई फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, कई फॉर्मूले आते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला था वो आता पी बराबर, यानी के डब्लू बराबर भी विभांतर आई धारा टी टाइम वी आई टी। दूसरा आता है आई स्क्वायर आर टी। तीसरा आता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो ये जो है वो विभांतर और धारा में संबंध है, ये जो है वो धारा और प्रतिरोध में संबंध है, ये विभांतर और प्रतिरोध में संबंध है। और सब काय के काय में दे रखे हैं हमें, ये सब के सब होते हैं हमारे जूल में, काय में दे रखे होते हैं ये जूल में। और अगर आपको जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो सिंपल वाली बात है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ एक डिब्बे में, इसको आप समझ लेना ठीक से कि फॉर्मूला कौन सा हमारा, भी बराबर, यानी कि डब्लू बराबर भी आई टी गुणा
बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके हैं, ये विद्युत ऊर्जा के हैं। अब आप जानते हो कि जो एक कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है, एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। अगर मैं जूल को कन्वर्ट करूंगा काय में, अगर हम जूल को कन्वर्ट करते हैं कैलोरी में, तो इससे भाग भी करने पड़ेगी हमें 4.2, ये आ जाएगा मेरे पास कैलोरी, ठीक है, काय में आ जाएगा ये कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका हम ज्यादा यूज करेंगे नहीं, मैंने समझा दिया आपको कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो जूल जो होता है वो 1.42 कैलोरी के बराबर होता है। अगर इस जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो आपको 4.2 से भाग कर देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पढ़ने वाले हैं हम विद्युत शक्ति, या बोलेंगे इसको हम विद्युत सामर्थ्य, या बोलेंगे इसको हम क्या, विद्युत सामर्थ्य, बात एक ही है, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो ठीक से जरा, तो ये क्या होती है, ये होती है देखो शक्ति, शक्ति का एक फॉर्मूला तो मैं लिखवाऊं मैं पहले, जिससे आप परिभाषा निकाल सकते हो, P बराबर W अपॉन T, जहां W जो है वो है विद्युत ऊर्जा, और जो T है मेरे पास वो क्या है, टाइम, जहां W क्या है भाई, जहां W जो है वो है विद्युत ऊर्जा, क्या है, विद्युत ऊर्जा, और T4 क्या है मेरे पास, टाइम, क्या है मेरे पास, समय, ठीक है। तो ध्यान देना, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को, दर का मतलब जब समय से भाग कर दी जाती है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को, खर्च मतलब व्यय होने की दर को हम क्या बोलते हैं भाई, विद्युत शक्ति कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, विद्युत शक्ति कहते हैं इसे सो करता हूं मैं काई से, इसे दर्शाते हैं P4 पावर होता है भाई, क्या होता है, P4 पावर होता है, तो P बराबर W बाई T होता है ये, ठीक है। तो जहां W क्या विद्युत ऊर्जा है और T क्या है मेरे पास, टाइम होता है। इसका मात्रक भी निकाल लेता हूं मैं, क्या मात्रक होता है वो भी देखते हैं इसका। तो मात्रक होता है देखो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका, देखो इस कार्य यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, ठीक है, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो इसका जो मात्रक होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक, वो होगा जूल प्रति सेकेंड, क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम बोलते हैं वाट, जिसे हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, यानी कि एक वाट जो होता है वो एक जूल प्रति एक सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है, ये होता है मेरे पास, ठीक है, जो एक वाट होता है वो एक वाट जो होता है वो एक जूल प्रति एक सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है, एक वाट बराबर एक जूल प्रति एक सेकेंड। अगर किसी वैद्युत परिपथ में आपने एक सेकेंड में एक जूल ऊर्जा प्रवाहित करी है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है एक वाट की परिभाषा, तो क्या होगी, एक सेकेंड में अगर आपने एक जूल ऊर्जा प्रवाहित करी है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी हमारी, 1 वाट होगी, ठीक है। अब लिखवा दे रहा हूं मैं कुछ फॉर्मूले, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, यानी कि विद्युत शक्ति के सूत्र जो कि याद करने हैं न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, विद्युत शक्ति के सूत्र, ठीक, टी हटा देना है, डब्लू यानी कि पी बराबर, यह आ जाएगा मेरे पास भाई भी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हटा देना है, और काय मांगे ये सब बाट मांगे, क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, बाट होता है। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, फिर करवाते हैं आगे। चलो देखते हैं फिर अभी, और तो देखो भाई जरा, तो एक नंबर में कभी कभी एक या दो नंबर का क्वेश्चन है ये, एक किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, एक किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो कर दोगे आप लोग, चलो मैं कर देता हूं उसको, एक किलोवाट घंटा, देखते हैं
ये डाला मैंने हेडिंग एक किलोवाट घंटा, तो देखो होता क्या है, एक किलोवाट घंटा। तो एक किलोवाट देखो, जो हमारे घरों में जो लाइट आती है उनका ना बिल जो है वो वाट के हिसाब से आता है। कुछ कनेक्शन 2 वाट के होते हैं, कुछ कनेक्शन 4 वाट के, 5 वाट के, कुछ कनेक्शन 1 वाट के होते हैं, ठीक है। तो एक किलोवाट वाला सर्किट है ये, यानी कि एक किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में, एक किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में, एक किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में एक घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि व्यय होती है, वही होती है एक किलोवाट घंटा, यानी कि एक किलोवाट, एक किलोवाट वाले, एक किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, एक किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में एक घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है यानी कि व्यय होती है, लॉस होती है, क्या कहलाता है हमारा भाई, होती है एक किलोवाट घंटा कहलाता, एक किलोवाट घंटा कहलाता है, यानी कि के फोर किलो, डब्ल्यू फोर वाट, एच फोर आवर, एक किलोवाट घंटा। तो एक किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में एक घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है एक किलोवाट घंटा कहलाता है, इसे हम यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इसे यूनिट भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इसको, यूनिट भी कहते हैं, आराम से याद कर लोगे। और एक किलोवाट घंटा जो होता है वो बराबर होता है 3.6 × 10^6 जूल के। ध्यान देना है बिल्कुल इस लाइन पर कि जो एक किलोवाट घंटा है वो 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। बोलो यहाँ तक हुआ क्लियर, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, नोट करते रहना है, लिखते रहना है मेरे साथ साथ इस पॉइंट को, आराम से याद होता रहेगा ये वाला, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी कहते हैं, यानी कि एक किलोवाट घंटा कहलाता है, इसे यूनिट भी कहते हैं। तो एक किलोवाट घंटा में 3.6 × 10^6 जूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से और देखो, अगर मुझे निकालना हो यूनिट की संख्या, क्या निकालनी हो, यूनिट की संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे भाई यूनिट की संख्या, है कोई तरीका निकालने का यूनिट की संख्या, तो ठीक है, अगर मुझे निकालना है यूनिट की संख्या, यानी कि यूनिट की संख्या, तो कैसे निकालते हैं हम यूनिट की संख्या, तो यूनिट की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये आता है कि भैया बोल्ट गुणा एम्पियर, बोल्ट गुणा एम्पियर, ठीक है, बोल्ट गुणा एम्पियर और गुणा घंटे बटा 1000, 1000 से भाग कर देनी है, ठीक है, बोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटा 1000। इसके साथ साथ में जो ये आप देख रहे हो बोल्ट गुणा एम्पियर, इसको हम वाट भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाट भी कहते हैं। तो वाट गुणा घंटे बटा 1000, तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए हम बोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटा 1000 से भाग कर देते हैं, तो क्या निकल जाती है, वो यूनिट की संख्या निकल जाती है। यहां तक क्लियर हुआ आपका, ठीक है, तो यहां तक की जो थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद में जो है अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट,